अच्छा एक कोई एक बंदा जो मेरे जैसा बंदा हो जो कि अपने आप को मेंटेन करना चाहता है वेट ठीक है लेकिन वो मेंटेन करना चाहता है तो उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और कैसी एक्सरसाइज और कितनी देर के लिए एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए एक्सरसाइज तो स्ट्रेट डेली के आपने चालीस पैतालीस मिनट निकालने अपने उपर, okay. में करना में तो है. है. चाहे जिम देख के एक हमने

प्लाटी प्ल्टीज एक्चुअली अकाइड ऑफ अ वर्कआउट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड विच फीमेल आर वेरी मच डूइंग इट राइट नाउ उसकी ये रीजन के वो ट्रेंडिंग में ठीक है ट्रेंडिंग में और अच्छी चीज है लेकिन बॉडी टोनिंग के लिए यूज हो अ टोन है, है। मसल मोबिलिटी है। को फ्लेक्सिबिलिटी है, है। को एनहैंस करता है।, है प्लाटीज करके किसी का साइज गेन नहीं होगा प्लाटीज, तो प्लाटीज करके आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं आती हो वो स्ट्रेंथनिंग नहीं आती हमें रिक्वायर्ड होती है मूव करेंगे तो मसल जब मूव होगा तो स्ट्रेंथ ऐसा ऐसा डेवलप होगी बट उसकी रेशियो उस जिम ट्रेनिंग से बहुत माइन्यूट है अच्छा यहाँ से मैं अगले सवाल पे जाना चाहूंगी क्योंकि अब यहाँ से चीजें निकल रही हैं लेट्स से किसी ने अपने एब्स जो है कोई फीमेल है उसका टमी जो है वो थोड़ा सा है तो उसने उसको एब्स में कन्वर्ट करना है तो वट शी शी डू के आ, मतलब वट शी शुड प्रैक्टिस एक्चुअली इज इट द्लैट इज और वेट ट्रेनिंग और क्या होगा वो सबसे पहले वो अपने मुंह को चिक्कू लगाया चिपकू छिपकू बहुत जरूरी बिकॉज डाइट अगर आपने यू वॉन्ट टू बिल्ड एब्स नाइनटी परसेंट नीड टू कंट्रोल द डाइट पहली बात तो okay. ये क्योंकि फैट के नहीं बनेंगे यू नीड टू हैव अ वेरी फ्लैट देखिए एप्स बनने के प्रोसेस होते हैं आपका पेट निकला हुआ पहले आपने उसको टकिन किया जी। साथ लगाया मैंने भी थीक थीक है? कर लिया टकिन के बाद आपने उसके ऊपर जो लेर्स होती हैं वो खत्म करनी है अगेन डाइट इन्वॉल्व आगी जितनी डाइट इन्वॉल्व होगी उतना उसके खाली जो लोग क्रंचेस लगा रहे हैं जिम में बैठ के और एप क्रंचर लगाए होते हैं डेढ़ डेढ़ सौ और तों निकली होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनस्ट उससे सिर्फ आपकी शायद कोर स्ट्रेंथ आ जाएगी लेकिन आपको अपनी बॉडी टमी के फ्लैटनेस नजर नहीं आएगी तो फ्लैट करने के लिए डाइट डाइट एंड डाइट अच्छा वो डाइट में क्या होगा अच्छा प्राइमरली डाइट अगर आपने बहुत स्क्वीज एंड एंड क्रैश प्लान में जाना है कट डाउन योर प्राइमरलीटली कंप्लीटली लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ उसकी रीजन ये है कि आपकी बॉडी को काब्स चाहिए आपकी बॉडी को गुड फैट चाहिए सो फ्रॉम द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू कटिंग डाउन योर यूर काप्सेंट फॉर दिंग दस दिनों के लिए, लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं बंद कर दू नो काब्स ओनली टेकिंग आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे hmm. आपका स्टमक जो है वो या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपरली डायजेस्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज काब्स आर वेरी मच हेल्पफुल आपके ऑर्गन्स को सर्कुलेट करने के लिए ऑर्गन की मूवमेंट के लिए उनको फंक्शनैलिटी के लिए hmm. और गुड फैट्स आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट ठीक है okay. तो और गुड फैट से मिलेगा आप आंटी की जर्दी खाए बहुत अच्छा गुड फैट है लॉट ऑफ ऐसी चीजें जो अवेलेबल है ड्राई नट्स खाएं जो नट्स हम खाते हैं उसमें गुड फैट अवेलेबल होते हैं हम पनीर खाते हैं उसमें गुड फैट होता है दीज आर गुड थिंग्स

अवेलेबिलिटी है देसी की तो some अगर आप प्रोटीन इंटेक ले रही और आपने फिश कर है और आप कहती है मेरे पास प्योर देसी घर का है hmm. तो मैं फिश को उसमें हल्का फॉइलिंग करके ग्रिल्ड करना चाह रही हूँ यू कैन है ठीक है